साध्वी यौन शोषण केस में 25 अगस्त को राम रहीम पर फैसले से पहले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तत्काल प्रभाव से इंटरनेट बंद कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब गवर्नर हाउस में 3 राज्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके लिए गृह सचिव रामनिवास के आदेश जारी कर दिए हैं। यह सेवाएं 72 घंटे के लिए बंद की जा सकती है। मेरा सच्चा सौदा के जो हेड हैं उनके बारे में माननीय अदालत का फैसला आना है और किसी भी प्रकार की कोई संभावित घटना ना घटे जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। बता दें कि पंचकुला में लाखों की संख्या में डेरा समर्थक उमड़ रहे हैं, इसके चलते कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। हालांकि अंबाला से आने वाली बसें रोक दी गई है, लेकिन ट्रेन के जरिए समर्थक पंचकुला पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि समर्थकों में ज्यादा संख्या महिलाओं की है। बुधवार शाम तक पंचकुला में अलग अलग क्षेत्र में 1 लाख से अधिक समर्थक पहुंच चुके हैं, जिनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। देखिए, ऐसा है, 1 लाख लोग पंचकुला में पहुंच गए हैं, उसके मद्देनज़र चंडीगढ़ की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इसी सेंसिटिविटी के कारण हमने इसने लार्ज स्केल की डिप्लॉयमेंट की है और हम चंडीगढ़ के जो जितने भी नाके हैं, इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं जहां से किसी भी तरह के ट्रैफिक की आवाजाही होती है, उसको हम कवर कर रहे हैं। वही मुख्य गवाह, जज और कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 25 अगस्त को फैसले के चलते पुलिस ने मामले के मुख्य गवाह खरर निवासी खट्टा सिंह की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। इसके शरारती तत्व उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। खट्टा सिंह सच्चा सौदा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के ड्राइवर रह चुके हैं और इस मामले के मुख्य गवाह हैं। राम रहीम पर फैसले से पहले ही हालात इतने नासाज हो गए हैं कि धारा 144 कर दी गई है। सभी ज़िलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। सभी ज़िलों में जहाँ जहाँ पे संवेदनशील एरियाज़ हैं वहाँ पे नाके लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले व्हीकल को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। धारा 144 लगाई गई है जिसके तहत किसी भी प्रकार का हथियार लेके चलना उस पर पाबंदी है और किसी भी प्रकार का जैसे लाठी है या कोई भी ऐसा जो नॉर्मल लेके चलते हैं वेपन, तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध है। और इसके साथ ही जो भी शरारती तत्व हैं उनको प्री एम्प्टिव जो अरेस्ट है उसके भी आदेश दिए हैं और खुफिया तंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ पर भी ऐसे शरारती तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 43 सुरक्षा बलों की कंपनियां चप्पे चप्पे पर तैनात है। सेना की खुफिया शाखा ने भी हालात पर नज़र रखना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी मंत्रियों और भाजपा विधायकों को फील्ड में उतार दिया है। साथ ही कहा कि वे डेरा अनुयायियों, समर्थकों और आम लोगों में शांति बनाए रखने की अपील करें, किसी बहकावे में न आने को लेकर समझाएं। सच्चा सौदा के प्रमुख हैं डेरा, सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम, उनका जो केस है वो सीबीआई कोर्ट के अंदर उसकी 25 तारीख को उनको फैसला सुनाना है, ऐसा कोर्ट के आदेश है। और उस निर्णय में जो भी निर्णय आएगा उसके नाते से किसी भी प्रकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको संभालना हमारा काम है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएँ हमने बना ली हैं, चाहे वो सिरसा की व्यवस्थाएँ अथवा पंचकुला की हैं या उनको ट्रैवल करके यहाँ आना होगा, तो इन बिटवीन रास्ते की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमने सब पूरी कर ली हैं। किसी प्रकार की कोई भी लॉ एंड की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और मैं अपील भी करता हूँ, चाहे डेरा के अनुयायी हैं या बाकी समाज के लोग हैं, कि एक प्रकार से शांति बनाए रखें, व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि ये कोर्ट का जो फैसला है वो सबके लिए मान्य होगा, इस नाते से ये व्यवस्था सबको बना के रखनी होगी, ऐसी मेरी अपील है। 25 अगस्त तक पंचकुला में स्कूल, कॉलेज बंद, ऑफिस बंद, कोर्ट बंद रहेंगे। बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन ने भी परिस्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। चंडीगढ़ पुलिस ने
5,000 जवानों के अतिरिक्त चंडीगढ़ में केंद्र से कुछ पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां मांगी है। हमने टेंटेटिवली अरेंजमेंट किया, हमारे पास 5,000 पुलिस मैन है अपने और बाहर के मिला के। अभी तक हमारे पास 5,000 लोग हैं जिनको हमने ड्यूटी पर डिप्लॉय करना है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो स्टैंड बाय रिजर्व आर ऑल्सो अवेलेबल टू रश फॉर एनी कॉन्टिनेंट। चंडीगढ़ के पंजाब हरियाणा हिमाचल से जुड़े बॉर्डर मार्गों पर भी एरिया थाना प्रभारियों व SDM की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स व चंडीगढ़ पुलिस के क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों को यहां स्पेशल ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा। मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस अधीक्षकों को ये आदेश दिए हैं कि वीडियो कैमरा की टीमें रखें और वीडियो कैमरा के माध्यम से जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इवेंट, उन हर एक के ऊपर नजर रखें। इसके साथ ही ड्रोन कैमराज का भी प्रयोग किया जा रहा है, और जितने भी ऐसे संभावित स्थान हैं जहां पे लोग पहले आके रुकने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। हम ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बरकरार रहे। इसके लिए हमने केंद्रीय सरकार से पैरामिलिट्री फोर्स की 35 कंपनियां बुलाई हैं जो कि डिप्लॉय हो गई हैं, जिनके फ्लैग मार्चेज चल रहे हैं, और इसके अतिरिक्त अलग से भी हमने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि हमें कुछ और कंपनियां दें, और हमें उम्मीद है केंद्रीय सरकार से हमें और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज इसमें मिलने जा रही है। सेक्टर 16 स्थित क्रेडिट स्टेडियम को 25 अगस्त के लिए स्थायी जेल बनाने के ऑर्डर किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर 10,000 तक हुड़दंगियों को यहां बंदी बनाकर रखा जा सके। कई बार क्या होता है कि शरारती तत्व आके राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं, उनका हमने पक्का इंतजाम कर रखा है, उनको बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में और सख्ती से पेश आएंगे। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं वो हमने सभी हिदायत दे दी है, सभी मजिस्ट्रेट्स को, DCs को, SPs को हमने इसके बारे में हिदायत दी है कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई ढील या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो भी आवश्यक कदम इसमें उठाने पड़े वो इसमें, अगर कहीं पर प्रिवेंटिव अरेस्ट करने हैं या किसी भी प्रकार का जो भी कदम आवश्यक है वो उठाएंगे। 25 अगस्त को सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द करीब 250 से 300 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। ANT नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट।